जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं कि Samsung Galaxy M31 और साथ में Motorola One Fusion Plus का कंपैरिजन। तो यहां पर दोनों डिवाइस जो है आपको देखने को मिल जाता है अंडर 19, यानी कि 19,000 के अंदर अंदर ये दोनों डिवाइस देखने को मिल जाता है। और आप आज देखते हैं इसके अंदर कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना ताकि मैं इसी टाइप का वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों Samsung M31 के अंदर जो प्रोसेसर रन करता है जो Exynos का 9611 ऑक्टाकोर का, तो सेम टू सेम एक गेमिंग प्रोसेसर लेके आता है जो कि Motorola One Fusion Plus यहाँ पर 730G का एक प्रोसेसर लेके आता है जो कि स्नैपड्रैगन का। दोनों के अंदर लगभग मैं कहूँगा जो कि Samsung से थोड़ा सा बेहतर होगा जो कि स्नैपड्रैगन 730G। दोस्तों 5000 एमएच की बैटरी और साथ में 6000 की एमएच बैटरी, तो 6000 एमएच की बैटरी जो है Samsung M31। Samsung कुछ दिन पहले जो फोन लेके आ रहा है M30 जो कि 31, 30S, 30 ये सब सीरीज, Samsung जो है अपने फोन के अंदर 6000 एमएच की बैटरी दे देता है। बड़ी बैटरी के साथ आपको ज्यादा टाइम यूज कर सकते हैं, आपको वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, को भी म्यूजिक सुन सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर 6000 एमएच की बैटरी बहुत मायने रखता है। Motorola One Fusion Plus के अंदर आपको भी देखने मिल जाते हैं 5000 एमएच की बैटरी, बट यहाँ पर Samsung का जो One UI 2.0 वाला फीचर्स आ जाता है और साथ में इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है एक स्टॉक एंड्रॉइड जो कि एंड्रॉइड वन प्रोग्राम जो कि Motorola फोन के अंदर, ये काफी बढ़िया रहता है। और दोनों के प्राइस के मामले में काफी बढ़िया है। मैं वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपको प्राइस के बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा की बात करते हैं कि दोनों के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों के अंदर आपको मैक्रो कैमरा 5 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। 4-4 क्वाड कैमरा दे रखा है और फ्रंट में आपको कैमरे के मामले में Samsung 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है और सेम टू सेम यहाँ पे पॉपअप सेल्फी लेके आता है Motorola One Fusion Plus, वहां पर उसने 16 मेगापिक्सल कैमरा दे रखा है। हालांकि अगर कैमरा जब फोन फिजिकल में हाथ में आएगा तब पता चलेगा कि कैमरे कंपैरिजन में 16 मेगापिक्सल कितना काम करता है और कौन सा जो कि 64 का जो कैमरा लगा रखे हैं इसके अंदर कौन सी टाइप का यूज हुआ है। हालांकि Samsung का तो Samsung का जो कि सेंसर यूज हुआ होगा, बट इसके अंदर कौन सा है अभी तक कोई फाइनल नहीं किया गया है, ना कहीं वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट किया गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको ये बता दिया जाएगा कि इसके अंदर कौन सी जो कि कैमरा सेंसर इसके अंदर एक्टिव है। तो सबसे बड़ी बात है कि 6GB 64GB जो कि Samsung Galaxy M31 इसके इंटरनल मेमोरी के साथ आपको रैम फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि प्राइस आता है 18,500, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। और सेम टू सेम आपको Motorola One Fusion Plus के अंदर आपको 6GB 128GB वेरिएंट में देखने को मिल जाता है 17,000, यानी कि 16,999 में। ये एक बेस्ट डील है, अगर ये मिल जाता है आपको ये फोन काफी ठीक ठाक सा है, क्योंकि अभी भी इसके जो फीचर्स है काफी धमाल कर रहा है, जो कि ऑनलाइन में बहुत सारे लोग इसको उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसका जो 6 जुलाई में नया जो नेक्स्ट सेल होगा तो वहां पर भी ये सेल होने वाला है। दोस्तों डिस्प्ले साइज को लेके कुछ फर्क नहीं है, 6.4 इंच का जो डिस्प्ले है जो कि हमारे Samsung M31 में है, और सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का Motorola One Fusion Plus। 6.5 तो ठीक है, उससे ज्यादा फोन थोड़ा सा और लगता है। दोस्तों फिलहाल आपको M31 जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, क्योंकि ये मार्च महीने में हमें देखने को मिल गया था, लॉन्च हो गया था। बट अब जो One Fusion Plus है जो कि Motorola का है, ये 24 तारीख को ही फर्स्ट सेल था वहां पर, फिर नेक्स्ट सेल आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, ये जो है 6 जुलाई को। तो आप डेट फिक्स करके रखना, अगर ये फोन परचेज करना है आप कर सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मैं इसको 5 में से 4.5 स्टार दूंगा जो कि Motorola One Fusion Plus को। और Samsung जो है M31 का प्राइस थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हुआ, कम से कम 2500-3000 रुपये प्राइस ज़्यादा ही बता रहा है, तो ये आप देख लीजिए आपकी इच्छा से, क्योंकि अगर Samsung ब्रांड है तो आप हो सकता है ब्रांड के हिसाब से, ब्रांड के लिए सिर्फ आप 3000 फालतू दे सकते हो, बट मैं नहीं दे सकता। M31 का ग्रामेज है जो कि वेट है 131 ग्राम्स और सेम टू सेम 210 ग्राम का है Motorola One Fusion Plus। मुझे लगता है Motorola One Fusion Plus का जो बॉडी है वो थोड़ा सा टाइट है,
तभी उसका थोड़ा सा वजन ज्यादा है, क्योंकि सैमसंग के अंदर में भी बैक साइड में प्लास्टिक पैनल दिया जाता है, इसके वजह से उसका लाइट वेट है, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी बावजूद इसका वेट कम है और थोड़ा सा थिन भी है, क्योंकि मोटरोला का फोन थोड़ा सा मोटा है, यानी कि आप चेक कर लेना, अब अगर कोई दूसरा यूट्यूबर रिव्यू दे रहा होगा आप वहां से भी कमेंट करके पता कर सकते हो, फोन ऑलरेडी थोड़ा सा मोटा आपको लगेगा। तो दोनों फोन के अंदर कुल मिला के ये जो है कि मेजर फीचर्स के बारे में मैंने बताया, तो मुझे लगता है आप लोग इसके इसी मेजर फीचर्स के बारे में आप जानकारी लेना चाहते थे, आप समझ गए हो कौन सा फोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।